कैसे हैं आप सब? तो अभी जो है मैं जा रहा था आज ट्रैकिंग के लिए, जो कि हमारी बाहर से एक क्लाइंट की बस आने वाली थी चंडीगढ़ से, लेकिन से आई नहीं आज, पता नहीं कैसे नहीं आई, मेरे नहीं पता। तो फिर ऐसे बिल लेते बैठे गए, मेरे अपने दोस्त का फोन करते जो आई जो कि चलो भाई चलिए, आज गढ़ साइड एक एजू फोर्ट है थी किला, राज माथेरा मंदिर भी है, अति सो एक्सप्लोर करिए, कहीं घूमी भी होंगे, बड़े दिन हो गए घूमने। तो मैं तेजी भाई फोन किया, अपना दोस्त भी एक कनेक्टर मुक्कू वैसे भी लग रहा होना, चलो भाई चलते कहीं एक्सप्लोर करते इस चीज़ें को। कहीं बाकी गल जी कि भाई हम सारे दोस्त कट्ठे आ रहे, सारे दोस्त कट्ठे जाने, लेकिन मेरे दोस्त जड़े आगे अगे नसी रहे, पिछले लगे होना रेडा निकलना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से होता भाई जंगली जानवर डर भी होता, क्योंकि जंगल का रास्ता क्यों जी भाई। सही बात है भाई, योर इंडियन निकल सर गाइस, इतनी रस्ते देखो तुम, क्या ही बताएं दोस्तों, बाकी जंगल का रास्ता बड़े बड़े पत्थर भी है ऊपर, एक आधा खिसकिया होता है रोडा में मिलना बैठे कहीं, मजा ही आई करते बैठने का। बाकी मैं तुम्हें एक गल ध्यान कराई दूँ कि जब तुम एज गाड़ा चले हो, घूमने चले हो, ट्रैकिंग आने चले हो, एक गल ही तो तुम्हें पांच गल का ध्यान रख। पहली गल यही कि तुम आपको कहीं एक सोच चले तो तुम्हें कैमरा पाए रखा, तो भाई देख सकते तुम देखते कि मैनी जगह वैसे बैठिए रहते देखते नहीं, कुछ भी बैठे आते वैसे जो जगह अस नहीं कि भाई कि गंद गुंद के पहाड़ी तुम्हें पता यार कैमरा पाना जरूरी है। दूजी गल रखना तुम कि बना इलाका कल भी बरखा फेस करती, फिर लोने को भी मुश्किल होती, कुछ तुम फसी आए बरखा रे, तुम एडा करें भाई खाने पीने के लिए जाना, पानी पीने के खाना खाना भी ले आए, पर एडा करें भाई कचरा कुचरा जब पाई लें डोडा गंद बन नहीं करने गंदे, ठीक है। कहने त्रीजी गल यी कि तुम छतरू भी पा रखे भाई, छतरी की दियो बरखा टाइम बड़काई, तो भाई तीन गल तो मैं दादा चुकी, लेकिन चौथी गल जी बोली है कहीं पंज गल जो आंदी थी नहीं मैं जो जो बोली रहा, तो तू समझ भाई आंदे होंगे तो घंटा मैंने दसी दें बड़ा लेट हो गया, छोड़ चल रहा फिर क्या क्या प्रोग्राम आज का भाई, कुछ प्रोग्राम नहीं भाई, कुछ देख 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 अच्छा से और बंदे थे भाई, से दो चली रुक फिर और बंदे और ठगे आया जल्दी मजाक कित भाई नहीं आया ओए कंडक्टर छोड़ कर जाना नहीं, तो भाई रस्ते छोड़ दे, फिर मैं दो गल और याद आई कि देखिए आजकल आप बरसात है टाइम रस्ते हुई चिफड़े बुरे आए, तो तुसे मजे कन्नै चले क्योंकि टुंडी मुंडी बच सकती, तो इतने जो तुसें दसनी कोई गल अच्छा है? कोई नहीं बैठी तो भाई उत्ते जो भाई रे कहने का तत्पर्य यह है कि तुसे कदी आनंद रही हो, तो बिच 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 तुसे रस्ते में बैठी जाने चाहिए, क्योंकि बंदे कुछ कुछ आदत नहीं होती, इं रस्ते चढ़ने जब बाहर ले बंदे आ रहे होंगे अस्त ट्रैकर माहू अस कोई थकते थकते नहीं हसे ना, कोई नहीं कोई नहीं तुम बैठा बड़े जी मेरा बड़ी वहाँ कपू जी एक पड़ा तब दूर होया जाने जाना आई और इतनी गए बस थोड़ा दूर रहा मंदिर कन्नै ये तुसें घंटी लड़ी पुजना गेट आ कन्नै बाकी इतनी चरण पाद गाए माता दी पर मंदिर है कन्नै गढ़ भी है कन्नै तीर्थ के बाद जाना परे जो उत्थे शिव भगवान का मंदिर है कन्नै पुराने गढ़ भी है कन्नै सामने तुस टांकी दी पानी पीस कर देती तुसें बाकी अस सुख नहीं ले रही फिलहाल ओ माई देवता भाई केडा बड़ा पत्थर है वार देवता तो बड़ा पत्थर है भाई उठी आई है जूते रहते स्थान हम तो करे थे पहले जूते खोल दिए ऐसे तो भी मंदिर से लेकर पहले जूते कौन कौन है फिर तो बाद आज पैर धो के नहीं गई मंदिर जाने तो भाई हाथ पैर धो लेने क्योंकि पानी छट लेंगे हाथ पैर क्योंकि मंदिर जाने के पहले जरा भाई हाथ पैर धोना जरूरी है।
आप देख रहे हैं अभी ये मुकेश है जो कि हम इसे प्यार से कनेक्टर बोलते हैं। सो गाइस दिस इज योर सेकंड हाईएस्ट बीएसएनएल टावर। इस वक्त हम खड़े हैं, ये है बहुत ही टॉप में अभी हम खड़े हैं और यह सामने आप दृश्य देख सकते हैं, ये है अज्जू का पीछे और बीड़ का आप नजारा देख रहे हैं। बाकी ये जो आप टावर देख रहे हैं इसमें लगी है एक बड़ी सी छतरी और मतलब क्या ही बताएं दोस्तों। तो भाई यहाँ पे आके आगे आप उनका बहुत ही पोस्टर मिलना चाहिए, जैसे कि मतलब आप हाइट में जाते हैं और वहाँ पे मंदिर भी होता है तो बहुत सारे पोस्टर मिलना चाहिए, आपके सराउंडिंग में घूमते हैं और उससे आपको बोलने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे ही दोस्तों आज है संडे का दिन और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे घूमने के लिए, हम भी आज घूमने आए थे, बारिश का मौसम हो रखा है इसलिए बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचवा के जा चुके हैं और अभी हम भी कुछ ही देर में यहाँ से जाने वाले हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं मतलब चारों तरफ जैसे थोड़ा सा अंधेरा होने वाला है, आधे अंबर में जो है बादल है और आधे अंबर में जो है धूप चली हुई है। आप बने रहें हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।